बेटनोविच सी क्रीम एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम है जिसका इस्तेमाल स्किन के वेरियस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेटनोविच सी क्रीम के बारे में इन डिटेल जानकारी, जैसे कि इसके कॉम्पोजिशन क्या है, इसे यूज़ क्यों करते हैं, इसे यूज़ कैसे करना है, उसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या इंग्रेडिएंट होते हैं बेटनोविच सी क्रीम में? तो बेटनोविच सी क्रीम में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला होता है बेटामेथासोन वैलरेट और दूसरा होता है क्लियोक्विनोल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें है बेटामेथासोन वैलरेट, जो कि 0.1% WIW में आता है। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉयड है जो कि स्किन के इन्फ्लामेशन और इचिंग को कम कर देता है, और उसके साथ साथ ये स्किन को हील करने में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना गया है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्लियोक्विनोल, जो कि 3% WIW में पाया गया है। ये एक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो कि स्किन के इन्फेक्शन को रोकता है। तो गाइस, बेटनोविच सी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे कि त्वचा में स्वेलिंग, डर्माटाइटिस हो जाता है, या सोराइसिस मतलब लाल लाल स्किन पड़ने लगती है, पैचेस आने लगते हैं लाल, खुजली, या आपको ड्राई स्किन होने लगती है, या स्किन से जुड़ी हुई कौन सी भी प्रॉब्लम्स हो जैसे कि लालपन, खुजली, सूजन, जलन, ये सारी चीज़ों में बेटनोविच सी क्रीम यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं बेटनोविच सी क्रीम को कैसे यूज़ करना चाहिए। आप पहले आपके डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल कीजिए। पर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन या अफेक्टेड जो पार्ट होता है वो पहले क्लीन करना चाहिए पानी या सोप का यूज़ करके। उसके बाद उसको ड्राई करना है, और नॉर्मली आपको क्रीम लेना है, पिंच ऑफ क्रीम, और जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पर उसे रब करना है। 30 या 20 सेकेंड आप उसे मसाज कर सकते हो, वहाँ पर ऐसे क्रीम आपको जेंटली लगाना है। और इस क्रीम को आप लंबे समय तक ना इस्तेमाल करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ में ये साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से यूज़ करना है। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट में फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट है आपका जो स्किन है वो पतला हो जाना, मतलब स्किन थिनिंग हो सकता है। दूसरा है स्किन का रंग बदलना, आप इसका मतलब आपका जो स्किन है वो पिगमेंटेशन चेंजेस करता है। फॉर एग्जांपल आप सांवले हो तो वो थोड़ा सा वाइट इफ़ेक्ट आ सकता है या काला भी पड़ सकता है। दूसरा है निशान आ जाते हैं, मतलब स्ट्रेच मार्क्स आपके बॉडी पे आ जाते हैं ज़्यादा इस्तेमाल करने से। दूसरा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है स्किन इरिटेशन और एलर्जी। आपके स्किन रिलेटेड कोई भी एलर्जी आपको हो सकती है, या आपको जलन, लालीपन आ सकता है। तो इसके ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्रीम के कुछ प्रिकॉशंस, मतलब आपको इस क्रीम यूज़ करने से पहले आपको कुछ सावधानियां लेनी पड़ेंगी। तो फर्स्टली यही होगा कि ये क्रीम को आपको फेस पे नहीं लगाना है, खासकर आपका जो आई एरिया होता है वहाँ पर, क्योंकि ये क्रीम जो होता है वो स्किन को थिन कर देता है, पतला बना देता है। उस वजह से आपको कौन से भी आई रिलेटेड, नोज, लिप्स, फेस के रिलेटेड कहाँ पर भी नहीं लगाना है। उसके साथ साथ ये क्रीम आपको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना है, और यूज़ कर रहे हो तो डॉक्टर जब तक बोलते हैं तब तक आपको यूज़ करना है, मतलब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। अपने डॉक्टर से ही डोसेज और ट्रीटमेंट और उसका ड्यूरेशन आप एक बार पूछ सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, मतलब कौन से लोगों को ये क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक पर्सन, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एलर्जी है और उसमें बेटनोविच सी क्रीम का कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये क्रीम नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं, स्किन ट्यूबरक्लोसिस, या आपको एक्ने रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, या आपको ओपन वाउंड्स की प्रॉब्लम्स है,
तब इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए बेटनोवेट सी क्रीम डॉक्टर की सलाह से और प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है। तो होप डू यू लाइक दिस वीडियो। आपको बेटनोवेट सी क्रीम के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिली होंगी, जैसे कि आप इसमें कंपोजिशन क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है और कौन से लोगों को ये क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं मेडिसिन या क्रीम रिलेटेड कोई भी वीडियो लाऊँ तो आपको पहले बेल आइकन प्रेस करने के बाद स्क्रीन पे आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।